तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों आज हम यहाँ से देखने वाले हैं राजस्थान वार्षिक परीक्षा कक्षा नौवीं का आपका गणित विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसके सॉल्यूशन को। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोग यहाँ से इसको अच्छे से देख सकते हो। आज मैं यहाँ से आपको राजस्थान वार्षिक परीक्षा 2023 कक्षा नौवीं का आपका गणित विषय का पूरा प्रश्न पत्र यहाँ से आपको बताने वाला हूँ। तो प्यारे विद्यार्थियों वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप सभी लोगों से अनुरोध है हमारा कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सभी को हमारे द्वारा अपलोड किए जाने वाले प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन बराबर मिलती रहे। तो चलिएगा प्यारे विद्यार्थियों बिना किसी देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और समझते हैं कि कक्षा नौवीं की वार्षिक परीक्षा का आपका गणित विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर किस प्रकार का आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा और इसका सोल्यूशन आपको कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। टोटली प्यारे विद्यार्थियों जो क्वेश्चन पेपर आज मैं यहाँ से आपको बताने वाला हूँ इसी प्रकार का पूरा क्वेश्चन पेपर आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा। तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि कक्षा नौवीं की वार्षिक परीक्षा का आपका गणित विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर किस प्रकार का परीक्षाओं में आपसे पूछा जाएगा और इसका सॉल्यूशन आपको कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों थोड़ा सा मैं आपको करीब से बता देता हूं कि किस प्रकार का पूरा आपका राजस्थान वार्षिक परीक्षा का कक्षा नौवीं की पूरा गणित विषय का क्वेश्चन पेपर होगा। तो देखिएगा इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पेपर में आपसे पूछे जाएंगे, आप सभी लोग यहाँ से इसको देख सकते हो। एक लंब वृत्ति शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। तो देखिएगा इसी प्रकार के सभी प्रश्न आपको परीक्षाओं के पेपर में देखने को मिल जाएंगे, इसलिए आप सभी लोग यहां से इसको अच्छे से देख ले और पूरा समझ ले। टोटली ए टू जेड क्वेश्चन जो आपको मैं यहां से बता रहा हूं इसी प्रकार के पूरे क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछे जाएंगे। तो चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि राजस्थान वार्षिक परीक्षा कक्षा नौवीं का आपका गणित विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर किस प्रकार का होगा। जी आप प्यारे विद्यार्थियों आप चाहे किसी भी जिले से इस वीडियो को देख रहे हो, आपके जिले में प्यारे विद्यार्थियों टोटली यही वाला क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा, आप सभी लोग इसको पूरा देखकर जरूर जाएं। अब आप ये कहोगे कि आपके पास में पेपर कहां से आया, तो देखिएगा मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारे यहां पर ये कक्षा नौवीं की परीक्षा हो चुकी है, तो इसलिए आप सभी लोग इसको पूरा जरूर देख लें। देखिएगा इसी प्रकार का पूरा पेपर आपका परीक्षाओं में पूछा जाएगा। चलिएगा आप समझते हैं आपके कक्षा नौवीं के वार्षिक परीक्षा के इस पेपर को। तो देखिएगा इस प्रकार का पूरा आपका पेपर है, कक्षा नौवीं वार्षिक परीक्षा 2022-23 का ये गणित विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर है जिसे कि आज हम पूरा यहाँ से हल सहित देखने वाले हैं। तो देखिएगा इस प्रकार का पूरा एक क्वेश्चन पेपर है। अब इसमें यहाँ से देखते हैं प्रश्न। तो देखिएगा प्रश्न नंबर एक लिखा है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो देखिएगा सही विकल्प किस प्रकार से आपको चुनकर लिखने होंगे। पहला क्वेश्चन देख लें आप लोग क्या लिखा है, निम्नलिखित में से एक पूर्णांक है। तो देखिएगा इनमें से एक पूर्णांक क्या होगा, -3। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, x बराबर 1 पर व्यंजक 4x-3 का मान होगा। तो देखिएगा इसका उत्तर आपका आ जाएगा 1। उसके बाद में तीसरा देखते हैं, कार्तीय तल में अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को कहा जाता है। तो देखिएगा इसका उत्तर आ जाएगा आपका मूल बिंदु। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, समीकरण x-2y = 4 के लिए निम्न में से एक हल है। तो देखिएगा इसका उत्तर आ जाएगा 0-4। इस प्रकार से आप लोग नोट कर लें इसको। उसके बाद में पाँचवा क्वेश्चन देखते हैं, एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है तो कितना होता है, 180 डिग्री। इस प्रकार से आप लोग लें। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, 3 प्रतिच्छेदी रेखाओं द्वारा बनाई गई एक बंद आकृति कहलाती है। तो देखिएगा इसको त्रिभुज कहा जाता है। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप सभी लोग यहां तक नोट कर लें और इसके बाद में आगे आ जाते हैं। तो देखिएगा ये इंग्लिश में आपका पूरा छपा होगा। अब इसके बाद में यहां पर देखते हैं, तो देखिएगा इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पेपर में आपसे पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं, यहां पर जो लिखा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखिएगा रिक्त स्थानों में पूर्ति आपको किस प्रकार से पूरी करनी होगी। पहला क्वेश्चन, एक आयत का प्रतिकोण कितने का होता है, 90 डिग्री। इस प्रकार से आप लोग यहां से लिख लेंगे इसको। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन, एक तल पर उन बिंदुओं का समूह जो तल के एक स्थिर बिंदु से एक स्थिर दूरी पर स्थिर हो एक व्यास कहलाता है। तो देखिएगा इस जगह पर आपको व्यास लिख लेना है। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें पूछा गया है, यदि एक त्रिभुज की भुजाएं 8 सेंटीमीटर 11 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर हो तो उस त्रिभुज का अर्ध परिमाप कितना होगा, 16 सेंटीमीटर होगा। तो इस प्रकार से आप लोग इसको नोट कर लें। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन, त्रिज्या आर वाले गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है, 4/3 πr³ इसका उत्तर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप सभी लोग इसको नोट कर लेंगे। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, आंकड़ों 7, 1, 3, 9, 5 का माध्यक होगा, कितना होगा इसका माध्यक, 5 आ जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, बहुपद 3x+2 का शून्यक होगा, कितना होगा, 1 होगा। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थी इस प्रकार से आप सभी लोग यहाँ तक के इन प्रश्नों को नोट कर लें और पूरा का पूरा समझ लें। इसके बाद में देखिएगा यहाँ से आप लोग इसको देख लीजिएगा, फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पर आपसे पूछे गए हैं, तो आप सभी लोग यहाँ तक इनको देख लें। ये भी इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए पूरा दिया गया है। अब इसके बाद में यहाँ पर देखते हैं ये क्वेश्चन
क्वेश्चन पूछे गए। पहला क्वेश्चन, सही जोड़ी मिलाइए। सही जोड़ी कैसे आपको मिला लेनी है, 36/100 की जोड़ी का मिलान आपका इससे हो जाएगा 0.36 से। उसके बाद में बहुपद x की घात 4 + 2x + 10 की घात, तो देखिएगा इसकी घात होगी 4। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, बिंदु -4, 4 का भुज है, तो देखिएगा यह है -4। उसके बाद में बिंदु 3, 2 की कोटि होगी, तो कितनी होगी, 2 होगी। उसके बाद में एक अक्ष का समीकरण x = 0। उसके बाद में y अक्ष का समीकरण y = 0। तो इस प्रकार से आप सभी लोग यहाँ तक का इसको देख लें और पूरा समझ लें। और उसके बाद में आगे बढ़ते तो देखिएगा ये इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए पूरा दिया गया है। अब इसके बाद में आगे बढ़ते तो यहाँ से आप लोग देख लें, ये क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है जिसमें कि आपसे 1×6 अंक में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। पहले नंबर के क्वेश्चन को देखें, -3 की घात 3 + 2 की घात 3 + 1 की घात 3 का मान लिखिए, तो देखिएगा मान होगा -18। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, बिंदु 3 - 2 किस चतुर्थांश में स्थित है, तो ये तीसरे चतुर्थांश में स्थित होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, 2 चरों वाले रेखिक समीकरण के कितने हल होते हैं, तो देखिएगा इसके 2 हल होते हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, 30° कोण के कोण का मान लिखिए, तो देखिएगा इसका मान होगा 60°। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं तो ये जो लिखा गया 5 नंबर का क्वेश्चन, इसका उत्तर क्या आ जाएगा, 4। और उसके बाद में प्रथम 5 प्रकट संख्याओं का योग माध्य लिखिए, तो इसका माध्य होगा 3। इस प्रकार से आप सभी लोग इन प्रश्नों को देख लें। अब इसके बाद में इधर आ जाते हैं तो यहां से आप लोग इन प्रश्नों को देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 5 में इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन, अभिग्रहित और अभिधारणाएं ऐसी कल्पनाएं हैं जो स्पष्टता सर्वव्यापी सत्य होती है, इन्हें सिद्ध नहीं किया जाता, तो यह भी आपका सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती है तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होता, तो देखिएगा यह भी आपका सत्य होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, किसी त्रिभुज के बराबर कोणों की समूह भुजाएं असमान होती है, तो देखिएगा यह भी आपका सत्य होगा। किसी संभव त्रिभुज का प्रत्येक कोण 50° का होता है, यह भी आपका सत्य होगा। पतंग एक समांतर चतुर्भुज नहीं है, तो देखिएगा ये भी आपका सत्य होगा। उसके बाद में छठा क्वेश्चन देखते हैं, 3 असंरेखी बिंदुओं से जाने वाला एक और केवल वृत्त होता है, तो देखिएगा ये भी आपका सत्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोग यहाँ तक के सत्य असत्य को देख लें। और इसमें देखिएगा सवाल किस प्रकार से आपके पेपर में पूछे जा रहे हैं, वो भी मैं आपको यहाँ से बता देना चाहता हूँ। तो देखिएगा इस प्रकार के सवाल आपके पेपर में पूछे जाएंगे। ये प्रश्न नंबर 6 लिखा है, आप लोग यहाँ से देख लें। और उसके बाद में ये प्रश्न नंबर 7 लिखा गया है, और उसके बाद में ये प्रश्न नंबर 8 लिखा है, और उसके बाद में इधर आ जाते हैं तो यहाँ से देख ले, प्रश्न नंबर 9 लिखा गया है, और 9 के बाद में देखिएगा ये प्रश्न नंबर 10 लिखा है, और ये 11 लिखा गया है। आप सभी लोग इन सवालों को अच्छे से याद करके जरूर जाएं। देखिएगा पूरा का पूरा पेपर मैंने यहाँ से आपको बता दिया, टोटली इसी प्रकार का पूरा पेपर आपका परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा। आगे ये प्रश्न लिखे गए हैं, आप सभी लोग यहाँ से इन प्रश्नों को देख लें अच्छे से, और देखिएगा आगे ये प्रश्न लिखे हैं तो आप सभी लोग यहाँ से इन प्रश्नों को अच्छे से देख लीजिएगा और पूरा समझ लें। टोटली आपके पेपर में प्यारे विद्यार्थी इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये प्रश्न नंबर 16 लिखा है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 17 लिखा है, ये 18 लिखा है, और इस प्रकार से आप सभी लोग देख लें इनको। ये क्वेश्चन नंबर 19 लिखा गया है, ये क्वेश्चन नंबर 20 लिखा है, और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं तो आगे के प्रश्नों को भी आप लोग देख लें। इसके बाद में ये आगे क्वेश्चन दिए गए हैं इस प्रकार के, आप सभी लोग प्यार विद्यार्थियों यहाँ तक के इन प्रश्नों को देख लें। ये प्रश्न नंबर 21 लिखा गया है, ये क्वेश्चन नंबर 22 लिखा है, और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से देख लें, क्वेश्चन नंबर 23 लिखा है, और उसके बाद में देखिएगा इसी प्रकार के पूरे क्वेश्चन आपके पेपर में आपसे पूछे जाएंगे। तो आप सभी लोग यहाँ से इसको देख लीजिएगा, पूरा का पूरा पेपर प्यार विद्यार्थियों मैंने यहाँ से आपको पूरा उत्तर सहित बता दिया, तो आप सभी लोग इसको अच्छे से कंप्लीट कर लें और इसको याद कर लें। देखिएगा प्यार विद्यार्थियों, इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।